देखिए ये सारी सब्जियां मैंने वॉश करके रखी थी जब नहाने गई थी, उससे पहले ये सारी सब्जियां वॉश करके रखी थी, अभी तक ये सूख गई है तो इसे फ्रिज में रखना है मुझे। पालक भी वॉश किया था मैंने, वैसे पालक वॉश नहीं करना चाहिए बट सूख जाने के बाद आप रख सकते हो इसे फ्रिज में, क्योंकि अभी की सिचुएशन ही ऐसी है कि हमें सारी सब्जियां वॉश करनी पड़ेगी। धनिया पत्ता भी वॉश कर रही हूँ आजकल, अभी धनिया पत्ता आज नहीं लाया है बट धनिया पत्ता भी वॉश कर रही हूँ, क्योंकि वॉश करना जरूरी है सारी चीजों को, मतलब सैनिटाइज करना। जो लिक्विड मेरे घर पे है वो उस लिक्विड को डाल के मैं सैनिटाइज करती हूँ सारी सब्जियाँ। इसके बाद मुझे लगता है कि नहीं यार सेफ रहेंगे हम लोग इसे खाने से फिर बाद में। तो ये देखिए सारी चीज़ें सैनिटाइज हो गई है, इसे अभी रख देती हूँ मैं। और ये जो है ना ये मेरा फ्रॉक है जो पहले मैं पहनती थी ना कॉटन वाला, वो फ्रॉक है मैंने फाड़ दिया, इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा पीछे का टुकड़ा ले लिया था कुछ चीज़ को क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये ना अभी थोड़ा सा वो मैंने बहुत यूज़ किया ना इसे तो कपड़ा थोड़ा सा वो हो गया है, मतलब क्या बोलते हैं तो पतला हो गया है, इसी वजह से अभी इसे क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो ये ऐसे सब्जियाँ सुखाने के लिए मैं डाल देती हूँ, कभी भी एक स्टोल है मेरे पास वो डाल देती हूँ, कभी ये डाल देती हूँ, तो इस तरह से अभी ये इस चीज़ के काम आ रहा है। और कॉटन का है ना तो पानी जल्दी सोख कर लेता है, इसी वजह से ये बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। तो गाइज हमेशा की जगह से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, चलिए अभी कामों में लग जाता है, जल्दी जल्दी काम करता है वरना फिर और टाइम हो जाता है। और आज है संडे तो हैप्पी संडे ऑल ऑफ यू, और संडे का विश करने का कोई मतलब नहीं है, अभी तो सारे दिन सेम ही है तो संडे हो या मंडे, बट रहता है ना कि संडे के दिन कुछ नॉनवेज वगैरह होता है। और हाँ बहुत से लोग पिछली बार नॉनवेज मैंने शेयर किया था तो उन्हें अजीब सा लगा था, जो नहीं खाते हैं बराबर है उन्हें अजीब सा लगेगा ही, तो इसके बाद मैं नॉनवेज शेयर नहीं करूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है अगर कोई कुछ बोल देता है ना उसके बारे में, तो हमें खाने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए नॉनवेज की रेसिपी शेयर नहीं करूंगी। तो आज नॉनवेज बनने वाला है और इन्होंने मटन लाया है तो मटन यही बनाएंगे, मैं चिकन बनाऊंगी, चिकन बनाऊंगी नहीं तो फिर दूसरा, मेरा मन नहीं कर रहा है चिकन खाने का तो मैं दूसरा कुछ बना लूंगी अपने लिए, बट इन्होंने मटन लाया तो ये अभी मटन बनाने वाले हैं। और मटन तो मैं खाती ही नहीं हूँ तो इसी वजह से कोई यही नहीं है कि मैं मटन की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए जल्दी से कामों में लग जाते हैं। 333 मरते तो ये देखो इनके लिए आज इन्होंने मीट बनाया है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होगे ना आपको पता है कि मैं मीट खाती भी नहीं हूँ और बनाती भी नहीं हूँ, तो इसी वजह से ये इन्होंने बनाया है और हमारे लिए हमने बनाई है ये कहाँ है दाल पालक, और उसके बाद ये राइस है रोटियां है। तो बस और आज ना ये मिक्स ग्रेन रोटी बनाई है, मतलब इसमें क्या क्या है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। गाइज आज ना इन्होंने ये पीस के लाया है आटा, पहली बार हम लोगों ने आटा पीस के लाया है, इमेजिन नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि क्या है कि हमें वो रेडीमेड आटा खाने की आदत है तो इसी वजह से हम लोगों ने आज पहली बार आटा पीस के लाया, और वो भी पापा के कहने से, मतलब अभी पापा पता नहीं ये ब्लॉग देखेंगे या नहीं क्योंकि पापा को इतनी आदत नहीं है, मम्मी देखेगी क्योंकि इस बार मैं मायके गई थी ना तो ये जब आए थे तो इन्होंने जब रोटी खाई थी तो ये बोल रहे थे रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो पापा बोले कि आप लोग वो वाली रोटी खाते हो ना तो इसी वजह से आपको वो आदत हो गई है रेडीमेड आटे की। तो हम लोगों ने ना कभी भी ऐसे पीस के नहीं लाया है आटा, हम लोगों ने हमेशा आशीर्वाद का ही आटा खाया है, जब से मेरी शादी हुई है आशीर्वाद का ही आटा हम लोग ले रहे हैं और वही हम लोग मतलब झंझट नहीं होती है उसकी,
एक पैकेट 10 kg का लेके आओ हर महीने। इसी वजह से हम लोगों ने कभी लाया ही नहीं ये आटा पीस के, और झंझट लगती है मुझे वो स्टोर करके रखना गेहूँ और ये सारी चीज़ें, तो इसी वजह से कभी नहीं लाती थी मैं आटा पीस के। बट इस बार पापा ने जानबूझ के उनके घर के जो गेहूँ है वो दिए और बोला कि ये पीस के लाना, और ये पीस के लाने के बाद जब इसकी रोटी खाओगे ना तब आपको पता चलेगा। तो बनाई नहीं मैंने इसकी रोटी, बट कल बनाऊंगी इसकी रोटी और आपके साथ शेयर करूंगी कि इसकी रोटियाँ कैसी बनती है, क्योंकि अभी घर पे भी वही रोटी खाती थी तो अच्छी लगती थी, बट अभी आपके साथ शेयर करूंगी कि गेहूँ की रोटी कैसी लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोग गेहूँ की रोटी खाते होंगे, रेडीमेड आटा यूज़ नहीं करते होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे मेरी तरह जो रेडीमेड आटा यूज़ करते होंगे। किस किस को गेहूँ के आटे की रोटी पसंद है और किस किस को रेडीमेड आटे की रोटी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। इन्होंने ये इसमें किसने, हाँ अद्विक ने उंगली डाल दी शायद, मैंने ये ना खोल के रखा था, इसमें लाया इन्होंने पीस के ये, और ये खोल के रखा था ताकि इसका जो गर्म भाप है वो चली जाए और ये मैं भर के रख सकूँ उसमें कंटेनर में। तो देखो ये अभी इसकी रोटी कल बनेगी, खाती हूँ आपको। ये जो है ना ये मिक्स वाला भी पीस के लाया है आज, तो इस मिक्स में क्या क्या है आपको बता देती हूँ। ज्वारी है इसमें, जवार जिसे बोलते हैं, और मूंग है इसमें, और इसमें ना जवस है जिसको फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं, तो वो भी है, तो वो डाला है। और जो आटा है ना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। अभी ना मैं इसकी ही रोटी खाया करूँगी, कल मेरी एक फ्रेंड से बात हुई तो उसने बताया मुझे कि इसकी रोटी, मतलब उसने सिर्फ, वो तो ज्वार की रोटी खा रही है सिर्फ, ज्वार की रोटी से उसने बहुत सारा वेट लॉस कर लिया। तो मैं सोच रही थी मुझे ज्वार की रोटी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं ज्वार की रोटी के बदले में जो मल्टीग्रेन है वही डालूंगी और वही खाऊंगी। तो अभी इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मिक्स की है तो वो करके उनको पीसने के लिए दिया था। तो अभी गेहूँ पीस के लाने ही वाले थे तो इस वजह से मैंने उनको बोला कि ये भी मेरे लिए पीस के लाओ, अभी इसकी ही रोटी मैं खाया करूंगी। और इसका रिजल्ट कैसा आता है तो रिजल्ट आपके साथ शेयर करती ही रहूंगी। पूरा का पूरा अभी क्लीन हो गया है, ये रखना भूल गई, एक मिनट, अभी देखो पूरा क्लीन हो गया है। और यार जब हस्बैंड किचन में काम करते हैं ना, एक दिन भी काम करते तो पूरा किचन गंदा हो जाता है। मीट बनाया इन्होंने, बस मीट बनाने से ही इतनी टाइल्स और ये सारी चीज़ें गंदी करके रखी थी इन्होंने, बस पूरी क्लीन की है, सांस फूल रही है मेरी पूरे काम कर करके। अभी फिर भी झाड़ू मारना बाकी ही है,
तो ऊपर जाती हूँ, ऊपर उनको बताती हूँ क्या क्या करना है। तो कारपेंटर भैया बुला रहे हैं मुझे, तो चलिए पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर का दिखाती हूँ आपको। कहाँ है टीवी? कहाँ है? पीओपी टीवी है। हाँ चल, आपल्याला कुठे बनवायचं आहे? मला असं वाटतं की हे इथे आहे ना, ते हे होणार यहाँ पे। ठीक आहे, यहाँ पे बीच में आ जाएगा ये। म्हणजे हा पडल्यानंतर लांब झाला पाहिजे इथपर्यंत असा खाली, पण हा असा दिसला पाहिजे असा लांब, म्हणजे फोल्डिंग वर केल्यानंतर हा असा लांब झाला पाहिजे की इकडच्या तोंडाने बसली दिसली पाहिजे, म्हणजे पूर्व दिशेकडे तोंड करून स्टडीला बसली पाहिजे। थांब बेटा मला सांगू दे, म्हणजे काय होते की मुलांचं लक्ष म्हणते अभ्यासात चांगलं राहते, तसं इथे लक्ष राहत नाही अभ्यासात जास्त म्हणून, तर पूर्व दिशेकडे तोंड करून ठेवायचं। म्हणजे असा लांब घ्या, जेव्हा हा जेव्हा काम झालं तेव्हा ते फोल्ड करून ठेवून देता येते। हो घेऊन घ्या ना, तिकडच्या साईडने ते तोंड करून इकडच्या साईडला बसता तिला काही लिहायचं वगैरे असलं तर, नाहीतर मग तर बेड वर होते समजा बाकीचं। 37 तेवढंच फक्त करा स्टडी टेबल दादा। यहाँ पर मिरर लगेगा, यहाँ पर ये वाला टेबल भी हो गया है, और ये स्टोरेज बॉक्सेस किया है इसमें, जैसे कि मेरे स्किन केयर और मेकअप के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर रहेगी। और ये वाला बेड है जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होने के बाद तो आपको दिखाई दूंगी। देखो इसमें और इसमें कुछ इस तरह से स्टोरेज है। स्टोरेज के लिए इस बार बहुत ज़्यादा बनाया है क्योंकि स्टोरेज ही कम पड़ रही थी मुझे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें अभी बनवाई है। अभी देखो ये वाला भी वार्डरोब भी ये सेम बन गया है, अब मायका यहाँ पर भी लग गया है नीचे, और यहाँ पर भी लग गया है, और ये देखो ये सब हो गया है इधर वाले रूम का। अभी तो ये फोम वाला बनवाना है, इसी वजह से दूसरे आके बनाएंगे वो। इस तरह से बना है ऊपर का रूम, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस अभी नीचे का फ्लोर गंदा है, वो क्लीन कर लेती हूँ, मतलब झाड़ू मार लेती हूँ, थोड़ा सा पोछा मार लेती हूँ, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा, आराम से पानी पी पाऊंगी मैं। ये देखिए मट्ठा बना के रखा था, अभी मट्ठा भी ठंडा हो गया है, फ्रिज में रख दिया था मट्ठा बना के ठंडा होने के लिए। चाहो तो आप इंस्टेंट अगर आपको पीना है तो इसमें बर्फ के क्यूब्स भी डाल सकते हो, उससे भी जल्दी ठंडा हो जाता है। ये जो पालक है ना इसमें भर के रख देती हूँ। डस्टबिन ऑर्डर की थी, ये आज रिसीव हुई है, और ये देखो ये पॉलिथिन्स ऑर्डर की थी वो रिसीव हुई है, तो ये अभी मैं डाल देती हूँ क्योंकि मेरी वो जो डस्टबिन है ना वहाँ की वो एक्चुअली थोड़ी सी ख़राब भी हो गई है, और मुझे स्टील की डस्टबिन चाहिए थी कब से, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है।
मैंने इसमें गार्बेज बैग वगैरह लगा दी है। कैसी लग रही है अभी जरूर बताना मुझे। अभी तो मुझे अच्छी लग रही है। कब से मुझे उसे चेंज करना था, कब से ऑर्डर करके रखा था, ये ऑर्डर आ ही नहीं रहा था लॉकडाउन की वजह से, तो अभी आ गया है तो अच्छा लग रहा है वैसे। और इसका जो साइज़ है ना गार्बेज बैग का, वो आपको दिखाती हूँ, 17x19। और हाँ, आप हमेशा लिंक मांगते हो तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या कमेंट में पिन कर दूंगी, कहीं पर भी दे दूंगी। हमेशा आप लिंक मांगते रहते हो तो उससे अच्छा है मैंने इस बार सोचा है कि आपको पहले ही दे दूँ लिंक। तो ये मैंने ली है तो ये आज मिल गई मुझे। और भी कुछ पार्सल रिसीव हुए हैं तो वो आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, वो क्लॉथिंग वाले हैं। अभी हम लोग खा रहे खाना, एक्चुअली इनका तो खाना हो गया है, इन्होंने उनका खाना खा लिया है, और अद्विक मैं और माही रह गई है। अभी ये हाथ धुलवा के दे रहे हैं इससे अद्विक को, तो अद्विक और मैं माही खाना खाएंगे अब। एक्चुअली हमारा खाना अलग है आज और इनका खाना अलग है। इनका हमारा वेज है, इनका नॉन वेज है आज। हाँ, संडे स्पेशल है आज तो इसी वजह से। अद्विक अद्विक का अभी खाना खाएगा। चलो बैठो। आप किसके साथ, दीदी के साथ खाना खाओगे या मेरे साथ? पापा से। पापा ने तो खाना खा लिया अभी। पापा आप बैठ जाओ, मैं आपको खिलाऊंगा। चलो, ये नहीं, पापा के बिना किसी के हाथ से खाता ही नहीं, मेरे भी हाथों से नहीं। कभी कभी अद्विक दीदी के हाथों से खा लेगा लेकिन मेरे हाथों से तो खाता ही नहीं है ये। हाँ, उसके पापा ही चाहिए उसको खिलाने के लिए। अद्विक ने आज बनियान पहनी है, अच्छा लग रहे हो। हाँ सच में। अद्वि क्या खाओगे आप? दाल चावल खाओगे, दाल रोटी खाओगे, नॉनवेज खाओगे या वेज खाओगे? पिज्जा। पिज्जा ये तो अजीब ही है, कभी भी उसके मुंह से पिज्जा ही निकलता है, बर्गर नहीं निकलता। बराबर है, बर्गर में टोमेटो रहता है। हाँ नहीं, टोमेटो उसको पसंद है। ऑनियंस। हाँ लिया है अभी। मैं बनाने वाली हूँ इसका पाउडर, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के लिए हमें धनिया पहले भूनना पड़ेगा और उसके बाद हमें धनिया का पाउडर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये जो माइक्रोवेव से जो बर्तन है इसमें मैं अपना धनिया डाल दूंगी और उसके बाद इसे हमें करना है थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव, मतलब भूनना है इसे। ये देखो धनिया भून गया है, अभी इसका पाउडर बनाने वाली हूँ मैं। कितनी अच्छी बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी। मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है, ऐसा मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत गर्मी हो रही थी। अभी बहुत अच्छा लग रहा है सच में। खिला खिला आसमान और ठंडी ठंडी हवा।
बाहर देखो बारिश हो रही है। और चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। देखो मौसम कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है। और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ। और लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो आप लोग, लाइक ज़रूर कर दिया करो। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा दो और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कर देना, एक बार चेक कर लेना। आपको पसंद आए तो फॉलो कर सकते हो आप, और दोनों चैनल को भी चेक कर लेना, वहाँ पर भी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।